हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शर्मिष्ठा और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एशियन ब्यूटी शर्मिष्ठा में। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे निलोफर शेख और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे रिक्वेस्ट किया है। आज हम सीखेंगे कि हम घर में ही 3 डिफरेंट वेज में कैसे हमारे फेशियल हेयर को रिमूव करते हैं। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि वैक्सिंग, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग। पर थ्रेडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पेन देता है आईब्रोज के टाइम ही, तो पूरे फेस में तो और भी ज़्यादा पेन देगा। थ्रेडिंग के लिए मैं कहूँगी कि प्रोफेशनल हैंड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में आप थ्रेडिंग तभी यूज़ कीजिए जब आपके साथ कोई प्रोफेशनल है जो आपको थ्रेडिंग अच्छे से करके दे, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लीचिंग हमारे फेशियल हेयर को लाइट इन कलर बनाता है। ब्लीचिंग हमारे फेस से हेयर को रिमूव नहीं करता। फेस में वैक्सिंग करने के लिए मुझे मिक्स्ड रिव्यू मिले। कुछ जनों ने बोला कि अच्छा है, कुछ जनों ने बोला कि बुरा है, तो इसलिए मैंने वैक्सिंग को स्किप किया, क्योंकि वैक्सिंग ऐसे ही हैंड्स में या फिर लेग्स में या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जब हम करते तो ही बहुत दर्द होता है, तो फेस में तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा और क्या पता बहुत जनों को रैशेस आ जाएंगे। मैं जो 3 मेथड्स इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, वो 3 मेथड्स बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजी है, क्विक है और अफोर्डेबल है। चलिए देख लेते हैं क्या है वो 3 मेथड्स। पहला मेथड है पील ऑफ मार्क्स बनाना। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए जो पील ऑफ मार्क्स हम बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच जेलेटिन। हम ले लेंगे एक कटोरी में, उसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क 3 टीस्पून। उसके बाद इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब जेलेटिन दूध में थोड़ा सा घुल जाए, उसके बाद हम इसे डबल बॉयलर सिस्टम में बॉयल करेंगे। डबल बॉयलर सिस्टम यानी एक पैन के ऊपर हमने पानी रखा, उसे गैस पे चढ़ाया, उसके ऊपर एक कटोरी में हमने वो जेलेटिन और दूध के मिक्सचर को चढ़ा दिया। अभी इस मिक्सचर में मैं ऐड करूँगी फ्रेश ऑरेंज जूस। फ्रेश ऑरेंज जूस बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए। फ्रेश ऑरेंज जूस हमारे स्किन को ब्राइट बनाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी है, स्किन टोन को लाइट करता है, सन टैन रिमूव करने के लिए भी ऑरेंज जूस हेल्प करेगा। अभी हमारा मिक्सचर पूरा रेडी है, हम थोड़ा हाथ में लेके पैच टेस्ट करेंगे। दोस्तों, जो इस पील ऑफ मार्क्स को पहली बार ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा हाथ में लेके चेक कीजिए कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है, वरना आपका फेस जल सकता है। अभी मैं पूरे फेस में फर्स्ट लेयर दे दूंगी इस पील ऑफ मार्क्स का, स्पेशली उन एरिया में जहाँ पे मेरे हेयर है, जैसे कि मेरे अपर लिप्स में, जैसे कि मेरे ईयर के सामने, और मैं अपने आईलैशेस, आईब्रोज और हेयर लाइन को छोड़ के करूँगी। अगर आपके आईब्रोज और हेयर लाइन में थोड़ा सा ये मिक्सचर लग भी जाए तो उसे पील ऑफ मत कीजिएगा। आप कॉटन को थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके उसे पोंछ सकते हैं। ये मिक्सचर जितना मोटा होगा उतना ही आसान होगा, ज़्यादा पतला होगा तो जब आप उतारोगे इस पील ऑफ मार्क्स को तब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अभी मेरा ये पील ऑफ मार्क्स पूरा सूख गया है, तो मैं इसे अभी रिमूव करूंगी। इसे रिमूव करने के टाइम आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा, अगर आप उतना दर्द नहीं सह सकते तो आपके लिए आगे के 2 मेथड्स बहुत अच्छे होंगे। और आप धीरे 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 पूरे फेस के जो एंड पॉइंट है वहां से खींचिए और पील ऑफ मार्क्स को पील कीजिए। और अभी आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो कि कितना हेयर मेरा कम हो गया है ईयर साइड से और मेरे अपर लिप्स के ऊपर से। पर एक ही बार में ये 100% रिजल्ट नहीं देगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैजिक नहीं है। इसीलिए आपको ये पील ऑफ मार्क्स हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहिए बहुत जल्दी। अभी आप देख सकते हो सारे गंदे जो चीज़ है वो मेरे पील ऑफ मार्क्स में आ गए हैं और मेरा फेस अभी बहुत क्लीन लग रहा है। मेरा फेस रेड हो गया है एक जोकर की तरह, आप देख लीजिए। ये थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। सेकेंड स्टेप के लिए हमें चाहिए एक ट्वीज़र। आफ्टर पील ऑफ थोड़े से रह गए हैं अपर लिप्स में, तो मैं इस जगह को थोड़ा सा प्लग कर लूँगी ट्वीज़र से। तो ट्वीज़र बहुत ही अच्छा है, बहुत ही किफ़ायती भी है, आपको ये 10 से 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसे यूज़ करने से पहले जिस जगह की फेशियल हेयर को आप रिमूव करना चाहते हो उस जगह में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड कर दीजिए। लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज कीजिए। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से आपका वो जगह थोड़ा सा गीला हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, इससे आपको दर्द थोड़ा कम होगा और स्मूथली फेशियल हेयर रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हो इसने कितने अच्छे से मेरे फेशियल हेयर को रिमूव कर दिया है और यहाँ पर देखिए ट्वीज़र में कितना ज़्यादा फेशियल हेयर है।
अगर आप अपने फेस के दूसरे जगह का भी हेयर रिमूव करना चाहते हो तो आप इसी तरह से मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ट्वीजर से प्लक कीजिए। तीसरा स्टेप है शेविंग। शेविंग के लिए हमें चाहिए एक रेजर और कोई सा भी मॉइस्चराइजर। मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए या फिर आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो, उसे लगाइए जहाँ पे आपको चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे शेव कीजिए। यहाँ पे मैं ऐसे शेव कर रही हूँ। बहुत जन बोलते हैं शेविंग अच्छी नहीं है, पर ये गलत है दोस्तों। शेविंग आपके हेयर्स को मोटा नहीं बनाता है। सिर्फ शेविंग से ये होता है कि आप पील ऑफ करोगे तो अंदर से निकलेगा, आप ट्वीजर से जब करोगे एकदम अंदर से निकलेगा, और शेविंग ऊपर से वो सिर्फ चीज़ को काटता है। तो इसलिए जब वो हेयर वहाँ से फिर से ग्रो करता है हमें लगता है कि ये थोड़ा मोटा हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शेविंग आपके हेयर्स को मोटा नहीं बनाता है। शेविंग रेजर भी बहुत कम में आ जाता है, लड़कियों का 45 रुपीज़ में आ जाता है, और वीनस का है 195, वो बहुत अच्छा है, वो बॉडी शेविंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग बॉडी शेविंग का कोई वीडियो देखना चाहते हो कि हमें बॉडी हेयर को कैसे शेव करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर करूँगी वो वाला वीडियो। और ये थे 3 डिफरेंट मेथड्स जिससे कि हम घर में ही अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए सोशल मीडिया नेटवर्क में आप लोगों के फ्रेंड और फैमिली के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइए कि आप लोगों और क्या क्या वीडियो देखना है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।